गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 8 ज्योमेट्री एंड टुडेज टॉपिक इज सर्कल्स। सो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सर्कल्स के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पॉलीगन्स। आज हम क्या पढ़ेंगे? सर्कल्स। सो फर्स्ट, सर्कल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सर्कल्स, अ सर्कल is a closed figure formed by a curved line. What is circles? A circle is a closed figure formed by a curved line. Circle क्या है? Circle एक क्लोज्ड फिगर है, मीन्स पूरी तरीके से बंद एक फिगर है जो किससे बना हुआ है? कर्व्ड लाइन से। क्योंकि सर्कल कैसा होता है? राउंड होता है। उसे हम क्या, उस राउंड को हम क्या कहते हैं? कर्व्ड लाइंस। क्या कहते हैं हम? कर्व्ड लाइन। उसे हम क्या कहेंगे? सर्कल्स। जैसे एग्जांपल ये, मैं आपको सर्कल एक बनाकर दिखा रही हूँ। ये क्या है? सर्कल। ये क्या है? कर्व्ड लाइन है, क्योंकि ये घुमावदार है, मीन्स ये राउंड है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? कर्व्ड लाइन। और ये क्या है? कहीं से खुला हुआ है? नहीं, ये पूरी तरीके से क्या है? क्लोज्ड है। तो सर्कल क्या है? एक क्लोज्ड फिगर है, और वो किससे बना हुआ है? कर्व्ड लाइन से। उसे हम क्या कहते हैं? सर्कल। अब सर्कल्स के पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ सर्कल्स, पार्ट्स ऑफ सर्कल्स, सॉरी सर्कल, पार्ट ऑफ सर्कल। फर्स्ट पार्ट क्या है? डायमीटर। क्या है? डायमीटर। अब डायमीटर किसे कहते हैं? द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट्स that passes through the center of the circle, the starting point and ending point of diameter lie on the circle. Diameter. The diameter of circle is a line segment that passes through the center of the सर्कल। द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट ऑफ डायमीटर लाई ऑन द सर्कल। मीन्स डायमीटर क्या है? द डायमीटर ऑफ सर्कल इज लाइन सेगमेंट दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। मीन्स जो सेंटर होता है सर्कल के, उससे जो लाइन थ्रू पास होती है, उसे हम क्या कहते हैं? डायमीटर। जैसे मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाती हूँ। ये सर्कल है, इसका जो सेंटर पॉइंट ये है, ठीक है? इससे जो लाइन स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंडिंग पॉइंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? डायमीटर। जैसे ये सेंटर है, अब हमने इस सेंटर को क्या करना है? स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक लेकर जाना है। ये क्या है? ये सेंटर हो गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट, और ये क्या है? एंडिंग पॉइंट। तो ये, इसे हम क्या कहेंगे? डायमीटर। क्या है ये? इसे हम एक नाम दे रहे हैं, ए बी। इसे हम क्या कहेंगे? डायमीटर। ये क्या है? डायमीटर। नेक्स्ट पार्ट टू, रेडियस। क्या है सेकंड पार्ट? रेडियस। अब रेडियस किसे कहते हैं? द रेडियस ऑफ द सर्कल इज द लेंथ बिटवीन द सेंटर
of the circle and any point that lie on the circle. रेडियस किसे कहते हैं? द रेडियस ऑफ द सर्कल इज द लेंथ बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल. मीन्स जो सर्कल का जो सेंटर होता है उसके जो बीच का जो पार्ट होता है उस सेंटर से. मैं अभी आपको बनाकर दिखाती हूँ तब आपको समझ में आएगा. ये लिया हमने सर्कल बनाया, ये सेंटर पार्ट है हमारा, ये क्या है सेंटर पार्ट, ठीक है. ये सेंटर पार्ट से जो ये सीधी लाइन जाएगी उसे हम क्या कहेंगे रेडियस. ये फुल लाइन नहीं क्योंकि ये फुल पार्ट क्या हो जाएगा डायमीटर, बट जो ये हाफ पार्ट होता है डायमीटर का उसे उसे हम क्या कहते हैं रेडियस. जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे लाइन बनाकर दिखा रही हूँ, ये क्या है रेडियस. इस लाइन को हम क्या कहेंगे रेडियस. ये जो सेंटर पार्ट है उसको मैं क्या नाम दे रही हूँ ओ, और इसे मैं क्या नाम दे रही हूँ बी. तो जो ओ और बी है वो क्या कहलाएगा रेडियस. इसे हम क्या कहेंगे रेडियस. नेक्स्ट थर्ड पार्ट सेंटर. सेंटर एवरी सर्कल हैज अ सेंटर. सेंटर का मतलब सेंटर होता है जो सर्कल्स में, हर सर्कल में क्या होता है एक सेंटर होता है. जैसे मैंने यहाँ पे बनाया एक सेंटर, उसे हम क्या कहते हैं सेंटर. जो ओ दिखाई दे रहा है वो क्या है सेंटर. जैसे मैं यहाँ पे आपको एक फिर से पार्ट बनाकर दिखा रही हूँ, ये है सेंटर. इसे हम क्या कहेंगे सेंटर. इस सेंटर को हम एक नाम दे देंगे. मैंने क्या नाम दिया इसे ओ. इसे क्या कहते हैं हम सेंटर. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट कॉर्ड. कॉर्ड किसे कहते हैं? एनी लाइन सेगमेंट दैट हैज इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट. कॉर्ड किसे कहते हैं? एनी लाइन सेगमेंट दैट हैज स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट. मतलब सर्कल में जो एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होता है, जो लाइन सेगमेंट गई होती है उसे हम क्या कहते हैं कॉर्ड. जैसे एग्जाम्पल, ये हमने एक सर्कल बनाया, यहाँ से मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट ली और एक यहाँ पे ख़त्म की. जैसे ये क्या है कॉर्ड. स्टार्ट हमने यहाँ से किया और एंड हमने यहाँ से किया. एक पॉइंट और मैं ले रही हूँ यहाँ से और यहाँ से, मैंने इसे नाम दिया सी डी और इसे कहा ई एफ. तो जो ये सी और डी है इसे क्या कहेंगे हम कॉर्ड, और ई एफ भी क्या है कॉर्ड. इसे हम क्या कहते हैं कॉर्ड. तो ये रहा सर्कल्स. सर्कल्स किसे कहते हैं? क्लोज्ड फिगर जो किससे बना होता है कर्व लाइन से, उसे हम क्या कहते हैं सर्कल्स. और सर्कल्स के पार्ट्स कितने होते हैं? फोर. फर्स्ट डायमीटर, सेकेंड रेडियस, थर्ड सेंटर, फोर्थ कॉर्ड. क्या है कॉर्ड. तो जो डायमीटर है वो जो सेंटर के स्टार्टिंग पॉइंट से और एंड पॉइंट पे ख़त्म होता है उसे हम क्या कहते हैं डायमीटर. और ये जो रेडियस है जो डायमीटर का हाफ पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं रेडियस. और जो ये मिडिल पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं सेंटर. और इस यहाँ से जो लाइन स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंडिंग पॉइंट है इसे हम क्या कहेंगे कॉर्ड. सी डी क्या है कॉर्ड. ये क्या है ई एफ भी कॉर्ड. आई होप यू विल बी अंडरस्टूड. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.